हेलो गाइज, मैं अमरेंद्र यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम लोग अपने पढ़ाई के सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए मैं हाजिर हो चुका हूं। किरण का किताब पढ़ रहे थे, परसेंटेज चैप्टर आपका कंटिन्यू है, टाइप वन हम देख रहे थे, 25 तक आपको हमने बता दिया था। तो आप लोग में से जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी की जो बटन है उसको दबा दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को कंप्लीट देखिए, साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी करें। तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट नए हैं तो हमने परसेंटेज के बहुत सारे वीडियो डाल रखा है। अगर आप उन सारे वीडियो को कंप्लीट आप देखते हैं तो एक कंप्लीट आपका परसेंटेज पर पकड़ बनेगा। तो जो हमने वीडियो डाल रखा है उन वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। आइए सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। 25 तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, अब जो है आज के क्लास में 26 से स्टार्ट होने वाला है। 26 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 12 से 6 का एक तिहाई 134 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हमको 12 से 6 का मतलब गुण और एक तिहाई मतलब 1/3 होता है, ये निकालना पड़ेगा। काटेंगे आप पे तो 3 चौके 12, 3 दुना 6 यानी कि 402 आएगा। पूछा है कि 1206 का एक तिहाई 134 का कितना प्रतिशत, तो परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना है। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए आपको बताए थे कि का के की से जस्ट जो पहले होगा, एकदम करीब जो पहले होगा उसको नीचे रखेंगे, तो का के ठीक करीब में अभी पहले 134 वो नीचे रहेगा, बचा क्या 402, तो ऊपर रखेंगे अगुणे क्या करेंगे 100। अब आप इसे आसानी से काट सकते हैं। काटिएगा तो देख लीजिए भाई, इसे अगर आप 2 से काटते हैं तो ये 2 × 6 = 12 हो जाएगा और 2 × 7 = 14 हो जाएगा। इसे 2 से काटेंगे तो ये आपको 2 × 1 आएगा, ठीक है। और आप ये सब काटिएगा तो संभवतः ये 3 बार में कट जाएगा और 3 में 100 से गुणा करेंगे तो आपका 300% आएगा। ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन होगा चौथा। 2011 में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी सीआईएसएफ कांस्टेबल, ठीक है। आसान सा सवाल है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने का तरीका आपको हम सिखा रखे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया है तो पीछे हमने जो वीडियो डाला है उसको आप कंप्लीट देखें और उसके बाद से आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ आएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इसको देखेंगे समझ नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा आपको परेशानी हो। परेशान नहीं होना है, पीछे जो वीडियो डाले हैं उसे आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर परसेंटेज का एक अलग प्लेलिस्ट बना होगा, उसे खोलेंगे तो बहुत सारे वीडियो परसेंटेज का आपको मिल जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ए का 120%, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ए का मतलब गुणा 120% बोला है, ए का मतलब गुणा 120% है, बी के 80% के बराबर है, बी के का के की का मतलब गुणा 80% बराबर है, तो बराबर हमने कुछ किया नहीं है, ये डाटा आपको दे रखा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे हल करोगे। अब देखो इसमें पूछा क्या है, एकदम आसान सी बात पूछा गया है आपसे, पूछा है कि b प्लस ए और बट्टा में b माइनस ए, इसका मान आपसे पूछा गया है। इसे आप हल करोगे तो आपका 40 × 80 होगा, 40 × 120 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर हम b को इधर ला दें तो ये a बट्टा b होगा और 3 को उधर भेज दें तो ये 2/3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि a का मान 2 और b का मान सीधे हो जाएगा। अब कुछ करना है नहीं,
जहां जहां ए है वहां वहां दो रख दीजिए, जहां जहां बी है वहां वहां तीन रख दीजिए। ये आपको निकालना था, तो बी के बदले में तीन और ए के बदले में आप देख सकते हैं कि दो है और बटा में तीन माइनस दो, तो ऊपर आपका हो जाएगा पांच और नीचे हो गया एक, भाग करेंगे तो आंसर आएगा पांच। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो वीडियो को आप पे फिर से एक बार बैक करके जरूर देख लें, आपको सारी बातें समझ ही आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे कि यदि एक घंटा का वाई प्रतिशत एक मिनट 12 सेकेंड है तो वाई का मान पूछा है। बहुत ही सिंपल सी बात, एक घंटा का वाई प्रतिशत, देखिए ये एक घंटा हो गया 1 h का मतलब गुणा वाई परसेंट, एक घंटा का वाई प्रतिशत बराबर एक मिनट 12 सेकेंड, एक मिनट 12 सेकेंड ये आपको दे रखा है। इतना देने के बाद आपसे वाई का मान पूछा है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, केवल इसको हल कर लेना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो यूनिट होता है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि आप ये घंटा में है, जबकि यहाँ पर ये मिनट में है और ये सेकेंड में है। तो जब तक ये सभी एक फॉर्म में नहीं होंगे, एक यूनिट में नहीं होंगे, तब तक ये हल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि यूनिट को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो हम करते क्या है कि इसमें सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो सेकेंड है, तो सबको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, तो यहां से 60 सेकेंड, यहां से 12 सेकेंड, तो टोटली हो जाएगा ये 72 सेकेंड, समझ आ रहा है। और एक घंटा में होता है आपका 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल एक घंटा में सेकेंड की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 3600 सेकेंड, ये हो जाएगा। देख लीजिए आप, एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब हो गया 60 गुणे 1 मिनट, और 60 गुणे 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड ना, तो 60 में 60 से गुणा करें कितना आएगा, 3600 सेकेंड। यानी कि एक घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 60 गुणे 1 मिनट, और 60 गुणे 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, अर्थात टोटली आप कह सकते हैं कि एक घंटा मतलब हो गया 3600 सेकेंड। वही चीज हमने यहां पर लिखा है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अब कुछ करना है नहीं, y परसेंट, बात अगर आप परसेंटेज की हो और अगर आप ऑप्शन देखें तो उसमें फ्रैक्शन में या फिर ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, अर्थात परसेंटेज का कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हो कि परसेंटेज हटाना है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे 100 से भाग कर देते हैं, नीचे 100 ला देते हैं, ये बात आपको हमने बता रखा है। अब सेकेंड से सेकेंड आपका कट जाएगा, साथ ही साथ आप देख लीजिए 00 से 00 कटेगा, और यहाँ से 36 से कम 36 और 36 दुना 72, इसलिए वाई बराबर सीधे आएगा क्या, 2। वाई का मान कितना आएगा, 2 आएगा। और ऑप्शन की बात करें तो आपका आंसर होगा पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 28 था, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आसान से सवाल है, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। 29 में क्या करें, 29 में करें कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। क्वेश्चन नंबर ये 29 की हम बात कर रहे हैं, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले शेष कर्मचारी आपको उनकी संख्या दे रखा है 20,700, कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी। तो अब देखिए टोटल कोई भी वैल्यू होता है वो हमेशा 100% होता है, तो टोटल यहां पे कर्मचारी की बात हो रही है, तो टोटल जो भी कर्मचारी होंगे, आप देखिए कर्मचारियों का दो कैटेगरी बन रहा है, एक कैटेगरी बन रहा है वैसे कर्मचारियों का जो कर पे करते हैं, और एक कैटेगरी वैसे कर्मचारियों का बन रहा है जो कर नहीं देते।
तो अगर हम देने वाले, देने मतलब कि कर देने वाले और कर नहीं देने वाले सभी कर्मचारियों को एक साथ इंक्लूड कर दें तो टोटल कर्मचारी होंगे। और टोटल कोई भी चीज़ हो, चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, एबीसीडी कुछ भी हो, उसका परसेंटेज वैल्यू 100% होता है। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो भी संख्या होगा वो अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कुल कर्मचारी, जो कुल कर्मचारी होंगे उनकी टोटल परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 100% होगी। अब आप देखिए भाई, इसमें इसमें कह रहा है कि 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, तो 31% जब कर पे करेंगे तो नहीं पे करने वालों में कितने होंगे, तो 100 माइनस 31, और 100 में से 31 घटाएंगे तो आएगा 69। तो ये ऐसे कर्मचारी हैं जो कर नहीं दिए हैं। और क्वेश्चन में दे रखा है कि कर न देने वाले कर्मचारियों की संख्या 20,700 है, ठीक है। तो देखिए, जो 69% है ये वैसे कर्मचारी हैं जो कर नहीं देते, और 20,700 जो ये संख्या दे रखा है ये भी वैसे कर्मचारी जो कर नहीं देते हैं। तो ये जिस बात को बतला रहा है उसी बात को ये बतला रहा है, ये भी आपको कर नहीं देने वाले कर्मचारी हैं, ये भी कर नहीं देने वाले कर्मचारी हैं, मतलब दोनों एक ही चीज है, तो दोनों आपस में बराबर होगा, क्या बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या, तो देखिए भाई यहाँ पे 69% का मान 20,700 है, कर्मचारी की कुल संख्या मतलब कितना पे, 100 पे, यानी कि आपको 100% का मान निकालना है। जो 100% का मान होगा वही कर्मचारियों की कुल संख्या होगी, क्योंकि 100% का मतलब ही तो कुल कर्मचारी है। अब आप निकालोगे तो देखो भाई, यहाँ से 20,000 ये 700 बटा क्या होगा, 69, यहाँ वाला नीचे आएगा, 100 पे निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, काटोगे तो ये आपको कटेगा 300 बार में, 300 पर में कट जाएगा आपका। 300 में 100 से गुणा करेंगे तो 300 पर 20 आपका और चिपक जाएगा, यानी कि टोटल 30,000 कर्मचारी है। टोटल कर्मचारी की संख्या कितनी होगी, 30,000 हो जाएगी। ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आप समझे होंगे। चलिए सिलसिला को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आसान आसान जो सवाल है इसमें जो है ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, मतलब ये हुआ कि टोटल आपने 40 खेला और उसमें से 24 क्या हुए, तो आपने जीते, 24 आप जीते हैं, 40 में से 24 आपने जीता। तो पूछा है कि उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। देखो भाई यहां पे आपसे पूछा है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू। तो परसेंटेज वैल्यू निकालने का हमने स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट सिखा रखा था कि भाई जिसके बारे में क्वेश्चन किया जाए उसे आप ऊपर रखोगे। तो आपसे पूछा क्या है कि भाई जीते हुए खेलों का परसेंटेज, अर्थात हमको जीते हुए खेल यहाँ पे 24 है तो 24 का परसेंटेज निकालना है, तो 24 ऊपर रहेगा। आई 24 मैच किस में से जीता है, तो टोटल खेले गए खेले हुए मैचों में से, और टोटल खेला हुआ मैच कितना है, 40 है, तो 40 निश्चय होगा। बात परसेंटेज का है तो 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। आप इसे हल करेंगे तो आप देखिए 20 गुना 40, और ये 20 25 100, 2 से 12 बार में, और 12 25 आपका 60% आंसर आएगा। समझ आ रहा होगा, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने का तरीका आपको हमने काफ़ी अच्छे तरीके समझाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। हो सकता है कि वो परसेंटेज का पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 होगा जिसमें हमने परसेंटेज निकालने का तरीका समझाया था, तो प्लेलिस्ट में जाएं और देखें कि भाई परसेंटेज वाला वीडियो, परसेंटेज हमने किस वीडियो में समझाया है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर रखा जाता है, तो 24 से जीते हुए मैचों की संख्या है, जीत का परसेंटेज पूछा है ऊपर रखे हैं, 24 किस में से जीता है, तो 40 में से, तो 40 आपका नीचे हो गया। अब बात परसेंटेज का है तो 100 से गुणा कर दिए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 31 पर आ रहे हैं।
31 नंबर क्वेश्चन कर रखे कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया, तो पूछा है कि उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिए प्रतिशत वृद्धि चाहे प्रतिशत कमी आपको हमने समझाया था, 10% वृद्धि का मतलब होता है 100 पे 10 बढ़ना, 10% कमी का मतलब होता है 100 पर 10 कम हो जाना, ये हमने आपको करा रखा है, काफी अच्छे से समझाया था। 20% वृद्धि का मतलब हो गया 100 पर 20 बढ़ना, 20% कमी का मतलब हो गया 100 पर 20 कम होना। तो क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है, तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया, यानी कि वेतन बढ़ने के बाद हो गया है 24,000, ठीक है, और उस व्यक्ति का वेतन इनिशियल जो भी रहा होगा, इनिशियल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग इनकम उसका जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100%, अब 20% बढ़ रहा है तो 20% बढ़ने का मतलब बढ़ के हो गया वो 120, अर्थात बढ़ने के बाद परसेंटेज में उसका वेतन कितना हुआ तो 120%, ये भी आपको बढ़ने के बाद ही है, तो ये भी जिस चीज को बतला रहा है उसी चीज को ये बतला रहा है, यानी कि दोनों का काम एक ही है तो आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पूछा है कि वृद्धि से पहले, तो वृद्धि से पहले का मतलब हो गया मूल वेतन, अब मूल वेतन कितना परसेंट है, 100% है, तो 100% पर आपको निकालना है, तो 24,000 के बट्टा में क्या होगा 120 अगुणे 100 पे निकालना है तो 100 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, काटेंगे इसे तो 120 दुना आपका होता है 240 से, और 200 पे 20 आपका और हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में उसका जो वेतन था वो 20,000 रुपया था। एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल वे में हमने समझाने का प्रयास किया है, सिखाने का हमने कोशिश किया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 31 था, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, कमेंट आप हमें जरूर करते रहे कि भाई आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी आपकी अपनी प्रतिक्रिया हो हमें जरूर बताएं, इससे हमको अच्छा फील होगा। वैसे भी आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई हम जरूर देते हैं, तो कमेंट आप जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ही हमने परसेंटेज का इसके पहले बहुत सारा वीडियो डाल रखा है, उस पूरे वीडियो को देखें। अगर आप हमसे ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग नई दिशा है जो सिवान में चलती है, आकर पता कीजिए, अभी आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर के तहत आप एडमिशन लेंगे तो आप जो है काफ़ी कम फी में अच्छा कंटेंट पा सकेंगे, तो आप जरूर आएँ, रामराज मुर्शीमान नई दिशाएं कोचिंग हमारी चलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 में कह रहा है कि दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किया और 42,000 मतों से चुनाव जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। देखिए चुनाव में टोटल जितना मत पड़ता है वो अपने आप में 100% होता है, क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि दो ही कैंडिडेट हैं, तो टोटल जो मत पड़ा वो 100% दो कैंडिडेट हैं, यदि एक को मिलेगा 40% तो एकदम आसान सी बात है दूसरे को मिलेगा 60%, यदि एक को मिलेगा 30% तो सिंपल सी बात है कि दूसरे को मिल जाएगा 70%, क्योंकि कैंडिडेट तो मात्र दो ही है, ठीक है। तो वही बात यहां पर है कि टोटल जो भी वोट पड़ा होगा, टोटल वोट्स की बात करें तो अपने आप में 100%। इसमें आपसे बोला क्या है, तो बोला ये है कि भाई एक कैंडिडेट को मिला 57%, तो 100 में से 57 आप हटा देंगे तो आएगा कितना परसेंट है, तो ये 43% आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जीता होगा और ये आपको हारा होगा, ठीक है। तो अब बताओ भाई कि हार और जीत किस वजह से होता है, तो हार और जीत जो अंतर होता है उसी की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मिला 10 वोट और आपके विरोधियों की मिला 8 वोटें, तो अंतर कितने का है, 2 वोट का है, तो 2 वोट की वजह से ये जीतेगा और 2 ही वोट की वजह से ये हार जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आप देखो भाई, इसको मिला 57%, इसको मिला 43%, तो अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर आपका आएगा 14%,
14% ही अंतर है, तो इस 14% की वजह से जीतेगा और इसी 14% की वजह से ये हारेगा। तो हम कह सकते हैं कि 14% ये वो वोट है जो हार और जीत का फैसला करा रहा है, हार और जीत को ये क्लियर कर रहा है, बतला रहा है। और क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसमें कह रहा है कि 42,000 मतों से जो कैंडिडेट 57% मत प्राप्त किया है वो जीत गया है। तो 42,000 मतों से जीतने का मतलब क्या हुआ कि 57% जो कैंडिडेट मत प्राप्त किया है उसके पास जो हारने वाला कैंडिडेट है उससे 42,000 वोट ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब कि दोनों कैंडिडेट के मतों में 42,000 मतों का क्या है, अंतर है। एकदम सिंपल सी बात है। बात समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से आप पीछे करके हमने क्या बोला है सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये 42,000 का क्या हुआ, तो दोनों कैंडिडेट, दो ही कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट के जो मत हैं जो उनको मिला है उन मतों का ये अंतर है, और ये भी जो 14% है दोनों का ये मतों का अंतर है। तो ये भी वही काम कर रहा है जो काम ये कर रहा है। ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, ये भी दोनों कैंडिडेट का ही अंतर है मत का, ये भी दोनों कैंडिडेट के मतों का ही अंतर है। तो दोनों एक ही चीज है तो आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछा कि टोटल वोट्स बताइए, तो टोटल मतलब कितना निकलेगा, 100 रुपया। आप इसे काटोगे तो 14 कम 14, ये 14 42 हो जाएगा, तो 1% का मान कितना आएगा, ये 3000 हो जाएगा। और 100 पर निकालोगे तो 1% का मान 3000, तो 100 पर निकालोगे तो इसका 100 गुना होगा ना, तो ये 3000 पे आपका 2 जीरो और आ जाएगा, यानी कि 3 पे टोटल 5 जीरो होगा, और ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तीसरा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, समझ में ना आया हो तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम लोग, 34 नहीं क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। करें कि एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, 25% कम कर दिया गया, यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य को कितना परसेंट बढ़ाना होगा। समझिए, 25% कम का मतलब होता है कि 100 पर 25 कम कर देना, तो 100 पर 25 कम करने का मतलब हो गया 75, यानी कि अगर पहले किसी सामान का कीमत 100 रुपया था तो अब उसका कीमत कितना हो गया है, 75 रुपया हो गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि आपको पहले वाला मूल्य फिर चाहिए, पहले दाम था 100 रुपया, अब आपका 75 हो गया, यदि पहले वाला फिर से मूल्य चाहिए तो जाहिर सी बात है कि 75 रुपया को बढ़ाकर 100 करना पड़ेगा ना। तो पूछा ये है कि अब जो आपका कीमत है उसे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको हम प्रतिशत वृद्धि निकालने का तरीका सिखा रखे हैं, ठीक है। आपको हमने प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कीजिए, परसेंटेज का पार्ट 2 या 3 होगा, उसमें हमने प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं ये तरीका सिखाया है, ठीक है। तो बताया थे कि भाई आप अंतर लीजिएगा, जो बात वृद्धि का हो चाहे कमी का हो अंतर लीजिएगा, जब बात वृद्धि का हो तो नीचे छोटा वैल्यू, जब बात कमी का हो तो नीचे बड़ा वैल्यू। बात वृद्धि का है पहला हम अंतर लेंगे, तो अंतर तो 25 का है, वृद्धि का है तो नीचे क्या होगा, छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू है कितना 25, अगुणे क्या करेंगे 100, काटेंगे 25 से कम 25, यहाँ 1/3 आएगा, और 1/3 में 100 से गुणा है मतलब 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%, ये हमने आपको लिखाया था, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आसान सी बात है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए फिर से अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 33, अगला क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कह रहा है कि एक मशीन की कीमत 6250 है, उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आती है, तो 3 साल के बाद मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी। एकदम आसान सी बात है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 6250 रुपया मशीन का अभी कीमत है, वर्तमान में अभी आपका कीमत 6250 है,
उस कीमत में पहले साल में 10%, दूसरे साल में 20% और तीसरे साल में 30% की कमी आ रही, लगातार कमी हो रहा है। तो देखिए 10% कमी का मतलब क्या होता है, 10% कमी का मतलब होता है कि 100% पर 10% कम हो जाना, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 90% होता है। 20% कमी का मतलब होता है कि भाई 100% से 80% हो जाना। 30% कमी का मतलब होता है 100% से 70% हो जाना। ठीक है, तो ये जो आपको जितनी भी कमी है ना, ये एक के बाद एक हुआ है, लगातार नहीं हुआ है, लगातार मतलब कि एक ही साथ नहीं हुआ है, ये एक के बाद एक, मतलब ये क्रमागत हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज, क्रमागत मतलब कि एक कमी होने के बाद दूसरा कमी, दूसरा कमी होने के बाद तीसरा कमी, ऐसे हुआ है, कंटिन्यू आपको चल रहा है, एक साथ नहीं, सभी एक साथ नहीं हुआ है, एक होने के बाद दूसरा हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे दाम तो पहले इतना था, लेकिन पहले आपको घटा कितना है 10%। तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, इस पे 10% कम होगा तो कितना परसेंट रह जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो चीज है ये फिर से अपने आप में 100% है, भले दिख रहा है 90% है, लेकिन ये पूरा डाटा कितना है 100%। अब फिर इस पर अगली कमी हो रही है, और अगली कमी कितने परसेंट का है, 20% का है, तो ये पूरा 100 है, इस पर 20% कम हो गया, तो अब इसका कितना हो जाएगा, 80%। समझ आ रहा होगा, अब फिर से ये जो पूरा डाटा है यहां से लेकर यहां तक, फिर से ये 100% हो चुका है, फिर से ये 100% हो चुका है। अब फिर अगली जो परिवर्तन होगा, अगला जो परिवर्तन होगा, वो वृद्धि हो चाहे कमी हो, वो इसी पर हो रहा है, लेकिन संयोग से कमी हो रहा है, और भी कितने परसेंट का, 30% का, तो ये पूरा 100 है, 30% कम हो जाएगा, तब इसका कितना रहेगा, 70% रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आप बात समझ में आ रहा होगा आपको, 70% रहेगी, हम समझाने के लिए आपको लिखे थे। अब इसी को आप हल कर लीजिए, यानी कि तीन परिवर्तन के बाद जो दाम इतना था, अब पूरा इसको हल करने पर जो आएगा उतना कीमत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे 6250, 90% का मतलब होता है 9/10, हल करेंगे तो 9/100 होगा, 0 से 0 कटेगा तो 9/10 हो जाएगा। 80% का मतलब क्या होता है, तो 80/100। 17% मतलब क्या होता है, तो 17/100। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। 0 से 0 कटेगा, 20 चौका 80, 20 25 100, 10 7 70, ये आपको 10 100 हो जाएगा। तो टोटली ये 6250, और ये आपका हो जाएगा 9 चौका 36 × 7, और ये 100 × 5, ये आपका 6250 है, ये 0 से 0 आपको कट जाएगा। अगर आप इसे 5 से काटते हो तो ये कटेगा 125 बार में। ठीक है, अब यहाँ से गुणा कर लेना है, तो गुणा उणा करके चाहे इसको हम जो है ये 5 × 10 हो गया, 25 25 125 हो गया, तो ये 25 × 7 175 हो जाएगा, 175 × 36 और बट्टे में क्या होने वाला है, 2। अब 2 से काटोगे तो 18 आएगा, 18 × 6 = 90, 18 × 7 = 126 होता है, और 126 में जो है 9 को ऐड करेंगे तो 9 × 6 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 35 आएगा, 5 13 18 और 13 कितना हो जाएगा, तो ये 31 आएगा, यानी कि 3150 से ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन आंसर होगा आपका, तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 35 होगा। 35 में कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना परसेंट बड़ा होगा, ऐसा सवाल हमने करा रखा है। ए सी से 50% बड़ा है, ए बड़ा है सी से कितना परसेंट, 50%, यानी कि सी आपका 100 होगा, तो 100 से 50 बड़ा मतलब 150 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 50 × 2 = 50, यानी कि रेशियो बनेगा 3:2 का, ऐसा हमने सवाल आपको करा रखा है, पीछे भी ऐसा सवाल आया था। फिर बोला है कि B जो है ना C से 25% बड़ा है, देखिए इस बार B और C में रिलेशन दिया है, अब B C से 25% बड़ा है, मतलब कि 100 पर 25 बड़ा, अर्थात 100 से जब ये C 100 होगा तो B कितना होगा, 125 हो जाएगा।
अब इसे काटोगे तो 2500 का 100, 25 सवाल सही है कि आपका 5 रेशियो कितना आएगा, 4 का आएगा। अब देखो भाई यहाँ पे कॉमन टर्म इसमें क्या है, सी है, तो सी को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सी का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, सी का मान यहाँ पे 4 है। बैलेंस करने के लिए इसको हम किससे गुणा कर देते हैं, 2 से। कैसे करते हैं, हमने ऐसा सवाल पीछे करा रखा है, आप उसको जरूर देखें। तो आप इसको मर्ज करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो आपका ए का मान 3 × 6, अब बी का मान तो ये 5 है ही, और सी का मान 4 आएगा। तो इस प्रकार से ए बी सी में ये एक रिलेशन निकलेगा। अब इसमें कह क्या रहा है, तो पूछा ये कि ए बी से कितना परसेंट बड़ा है, प्रतिशत बड़ा निकालना है। क्वेश्चन ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो अंतर कितने का है, एक का है। बड़ा वैल्यू निकालना है तो नीचे छोटा छोटा वैल्यू होगा। क्वेश्चन ए और बी के बीच में है तो ए और बी में छोटा कौन है, तो ये 5 है, गुणे क्या हो जाएगा 100। तो काटेंगे तो 20 बार में, तो आंसर क्या आएगा, 20% आएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको बातें समझ आए होंगे। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय। ठीक है।